Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's lecture, I am going to discuss with you a beautiful poem, poem that is The Wild Swans at Cool and that is written by W.B. Yeats. <clears throat> okay, let's see the introduction of the poet and the poem. William Butler Yeats the full name of W B Yeats William Butler name uh, but William Butler Yeats who was born in 1865 and died in 1939 is regarded as not only the most important Irish poet but also one of the most important English language poets of 20th century विलियम बटलर ईट्स डब्ल्यू ईट न केवल एक इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट के रूप में बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के पोइट के रूप में भी जाना जाता था कब न सेंचुरी के ट्वेंटी सेंचुरी के या बीसवीं शताब्दी के इंग्लिश लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट पोइट के रूप में भी उसको जाना जाता था मतलब वो आयरिश पोइट तो था ही था एक अच्छा आयरिश पोएट तो था ही साथ ही साथ वो एक अच्छा पोइट भी था ट्वेंटी सेंचुरी का आगे देखिए ही वॉज़ की फिगर इन द आयरिश कल्चर रिवाइवल वो आयरिश कल्चरल मतलब जो आयरिश सांस्कृतिक रिवाइवल था मतलब पुनर्जागरण था उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था हिज लेटर पोएम्स मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्निज्म उसकी जो बाद की पोएम्स लिखी गई वो एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करती हैं या एक अच्छा रोल प्ले करती हैं टू मॉडर्निज्म आधुनिकतावादी संसार में या आधुनिकता वाले क्षेत्र में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर थर्टी टू वो 1932 थर्टी टू में नोबेल प्राइज से अवॉर्ड किया गया या नोबल प्राइज उसको दिया गया इंग्लिश के क्षेत्र में या इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में इट्स लाइफ एंड हिज पोएट्री ब्रिज लेट नाइनटीन सेंचुरी एंड अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक और बीसवीं शताब्दी की शुरुआत के बीच में उसकी पोएम्स ने उसके वर्क्स ने और उसने खुद ने एक ब्रिज का काम किया एक आ, किसका ब्रिज जिसको आप पुल का काम कर बोलते हो पुल का काम किया आगे देखिए हिज अर्ली पोएम्स द फर्स्ट बींग पब्लिश वेन ही वॉज ट्वेंटी उसकी स्टार्टिंग की जो पोएम्स थी जब वो ट्वेंटी ईयर्स का था तभी पब्ल हो गई थी हिज पोएम्स आर कैरेक्टराइज बाई अ ड्रीमे रोमांटिसम इन बोथ देयर फॉर्म एंड कॉन्टेंट उसकी पोएम्स की क्वालिटीज में से अगर देखा जाए तो उसकी पोएम्स की जो ग्रेट क्वालिटीज़ है वो ये है कि वो रोमांटिसिज्म में डूबी हुई थी मतलब रोमांटिक राइटर्स की क्वालिटीज़ उसकी पोएम्स में देखने को मिलती थी इन फॉर्म एंड इन कंटेंट बोथ मतलब इन बोथ दोनों में उसके फॉर्म में भी और उसके कंटेंट में भी ही वॉन्टेड टू रीअवेकन आयरलैंड टू इट्स एंशंट लिटरेचर वो आयरलैंड को इसके पुराने टाइम के जो लिटरेचर थे उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था आयरिश पॉलिटिक्स वॉज अ थीम टू हिच इट्स फ्रिक्वेंटली रिटर्न पर्टिकुलर इन द मिडिल फेज ऑफ हिज कैरियर उसकी पोएम्स की जो बेस्ट थीम थी वो थी आयरिश पॉलिटिक्स आयरलैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर वो ज़्यादा लिखता था और स्पेशली कब लिखता था जब वो अपने कैरियर के मिडिल फेज में था अपने मिडिल टाइम में था अपने कैरियर के उस समय वो आयरिश पॉलिटिक्स के ऊपर या आयरलैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखता था द थीम्स ऑफ इट्स पोइट्री सरपास्ड पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट एंड द आयरलैंड और उसकी पोइट्री की जो थीम्स हुआ करती थी या जो थीम थी उसकी पोइट्री की उसने पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट और आयरलैंड को काफ़ी पीछे छोड़ दिया मतलब इससे आगे भी जा करके बात करता था मतलब उसकी पोएम्स की थीम्स को देखें तो केवल पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट और आयरलैंड से रिलेटेड ये बातें ही नहीं रखता था उससे और भी ज़्यादा कुछ बातें करता था उन पोएम्स में he expressed his nationalism through a passionate desire to revive the Irish literary tradition. वो अपने हाँ, वो अपने नेशनलिज्म को मतलब राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्ति को या राष्ट्रीयता को दर्शाता था present करता था

और उसने अपने इस पर्पज के लिए या अपने इस एम के लिए वर्क किया और वर्क किस रूप में किया फाउंडिंग क्लब्स क्लब्स बनाए उसने सोसाइटीज बनाई और आयरिश नेशनल थिएटर का भी निर्माण किया उसने अब बात करें पोएम की जो प्रेजेंट पोएम है द वाइल्ड स्वान एट कूल इट इज अ पोएम बाई डब्ल्यू बी इड्स पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन ऑफ द सेम नेम इन नाइनटीन सेवनटीन ये जो पोएम है सेम इसी नाम की इसी नाम का एक उसका कलेक्शन था जिसमें ये पब्लिश हुई थी पोएम नाइनटीन सेवेंटीन में द पोएम शोज ए इस्पीकर विजिटिंग कोले पार इन इंग्लैंड या सॉरी आयरलैंड ये पोएम किस चीज़ को दर्शाती है एक ऐसे स्पीकर को जो कि विजिट करता है कुल पार्क इन आयरलैंड आयरलैंड में एक पार्क है कुल cool पार्क वहाँ पे वो विजिट करता है जहाँ पे एड्स हिमसेल्फ हैड विजिटेड एड्स भी वहाँ विजिट कर चुका था और फिर आगे बताता है कि हियर द ऑब्जर्वर हियर द ऑब्जर्वर मतलब यहाँ पे जो वो आ, विजिटर है जो विजिट करता है वो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करता है ही ऑब्जर्व ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्वांस एक लंबे ग्रुप को किसके स्वांस के हंसों के ग्रुप को देखता है वो कंपेयरिंग द प्रेजेंट मोमेंट टू हिज फर्स्ट विजिट टू पार्क 19 ईयर्स प्रेयर और फिर पोएट या स्पीकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को कंपेयर करता है 19 साल पहले जब वो यहां पे फर्स्ट टाइम विजिट किया था उस टाइम से उसको कंपेयर करता है प्रेजेंट टाइम को नाइन्टीन ईयर्स बिफोर वाले टाइम के साथ कंपेयर करता है दो द स्पीकर एडमायर द स्वान द होल पोएम इज बाथड विद एन एटमोसफेयर ऑफ मिलंकली एंड रिगरेट्स यद्यपि जो पोएट है ईट्स वो पूरी पोएम में स्वान्स को एडमायर करता है लेकिन पूरी पोएम मिलंकली और रिगरेट से भरी पड़ी है द स्पीकर फील्स दैट

इन द पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट द कूल इट्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ द फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू हिज स्पीकर इस पोएम में डब्ल्यू बी इट्स ने किस थीम के बारे में बात किया फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ का नाशवान होना या ह्यूमन लाइफ का छड़ भंगुर होना नष्ट हो जाना थोड़े समय में ही इसके बारे में बात किया उसने थ्रो द स्पीकर स्पीकर के माध्यम से This speaker becomes aware of his own aging as he watches the same swans that he has watched year after year. जो स्पीकर इस है इसमें वो बिल्कुल अवेयर हो जाता है इस बात से बिल्कुल सजग हो जाता है जागरूक हो जाता है कि उसकी भी एज जो है धीरे धीरे बीत रही है मतलब उसकी एज पूरी होने को जा रही है जैसे ही वो देखता है कि ठीक उन्हीं स्वांस को जिनको वो सालों से देखते आ रहा है मतलब जब स्पीकर उन स्वांस को देखता है जिनको वो सालों से देखते आ रहा है उनको देखने के बाद वो अपनी लाइफ के बारे में अपने एज के बारे में उसको थोड़ी सी चिंता होती है अपने एज के बारे में थोड़ी सी उसको जागरूकता आती है कि उसकी भी एज समाप्ति की तरफ चली जा रही है मतलब वो भी अब धीरे 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 बूढ़ा होता जा रहा है ही फाइंड दैट वो देखता है कि स्वान्स सीम्स नो चेंज एट ऑल स्वान्स में कोई भी चेंज नहीं आया है बट द स्पीकर एडमिट्स ही हैज़ changed इन एवरी वे लेकिन जो स्पीकर है वो इस बात को स्वीकार करता है एडमिट करता है कि वो लाइफ के हर क्षेत्र में चेंज हो चुका है He has grown old. वो बूढ़ा हो चुका है and everything in his life has changed. और उसकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं and he fears that one day the swans too will leave him. और वो इस बात से भी डरता है कि ये जो swans हैं वो एक दिन उसे छोड़ जाएंगे Eads is able to convey a feeling of deep sadness by using the feeling of his speaker. In contrast द ब्यूटी ऑफ लेक एंड स्वांस इट्स लेक और स्वांस की ब्यूटी के विपरीत जो स्पीकर की फीलिंग है उस फीलिंग के माध्यम से या उस फीलिंग के थ्रू एक डीप सैडनेस हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है या हम लोगों के अंदर एक डीप सैडनेस लाने की कोशिश करता है आगे इट्स ब्रिंग हिज रीडर्स टू फील द पासिंग ऑफ टाइम थ्रू हिज स्पीकर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक एंड हिज फीलिंग्स एज ही काउंट्स द स्वान्स एंड वॉच दैम टेक फ्लाइट इट्स ब्रिंग हिज रीडर्स टू फील इट्स जो है अपने रीडर्स को अपने पाठकों को ये चीज़ एहसास दिलाना चाहता है कि कैसे टाइम जो है ना गुजर रहा है पासिंग ऑफ टाइम इस चीज़ को एहसास दिलाना चाहता है कैसे टाइम गुजरता जा रहा है और ये सारी चीज़ें वो कैसे एहसास दिला रहा है थ्रू स्पीकरस डिस्क्रिप्शन जो स्पीकर ने डिस्क्राइब किया है लेक का अपनी फीलिंग्स का जब वो काउंट्स करता है स्वांस को और जब वो उनको देखता है कि वो उड़ान भर के चले जाते हैं वहाँ से इन सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से एड्स अपने रीडर्स के अंदर पासिंग ऑफ टाइम की फीलिंग को या टाइम कैसे गुजरता जा रहा है इसकी फीलिंग को लाने की कोशिश करता है ऑल दो दीकर नेवर क्लियरली सीज इट द रीडर बिकम्स अवेयर दैट द लेक एंड द ब्यूटिफुल नेचर अराउंड द स्पीकर विल बी देयर फॉर ईयर्स आफ्टर स्पीकर पासिंग यद्यपि इस्पीकर जो है खुल करके इस बारे में बात नहीं करता है कि कैसे समय गुजरता जा रहा है और वो भी गुजर जाएगा लेकिन जो पाठक हैं वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं पूरी तरह से जान जाते हैं इस बात को कि ये जो सुंदरता है ये जो लैक है ये जो नेचर है ये पूरी तरह से कायम रहेगा ये रिमेन रहेगा कब स्पीकर के गुजर जाने के बाद भी या स्पीकर के डेथ के बाद भी इट ऑल मेक्स लाइफ सीम सो शॉर्ट फ्रेगेल एंड येट ब्यूटिफुल और ये सारी चीज़ें मिल कर के लाइफ को कैसे बना देता बहुत तुच्छ और हीन लेकिन ब्यूटीफुल तो ये आपने देखा पोएट का इंट्रोडक्शन और पोएम का इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो इन दिस लेक्चर इट इज़ इनफ फॉर यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर With the explanation of this poem. Till that time, goodbye. Thank you.